भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस धूमधाम से जिला प्रशासन के द्वारा जिला समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभागार भवन में मनाया गया। इस अवसर पर उनके तैलचित्र पर जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा एवं आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार, सदर SDM रामानुज प्रसाद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार सिंह समेत कई अन्य जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शिक्षक परिवार के घर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वह एक कुशल पत्रकार, कवि व साहित्यकार भी थे। वो आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा भावना से की। उनका निधन दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा कि अटल जी की पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित रहा है और हमेशा हिंदी और राष्ट्र की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया और वह एक अजय राजनेता थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अटल जी की जन्म जयंती अवसर पर इतना ही कहूंगा, अटल जी एक महामानव थे और पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। आपको याद होगा कि जब पहली बार धोती कुर्ता पहनकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया, विपक्ष के नाते जब भी इनको मौका मिला ये हिंदी को बढ़ावा को दिया, राष्ट्र की संस्कृति को बढ़ावा दिया और यह कवि के रूप में कवि हृदय के साथ साथ एक अजय राजनेता भी थे जिनका कोई आलोचक नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि यह अटल जी का संपूर्ण जीवन का असर है। अटल जी पूरी जिंदगी राष्ट्र के समर्पित रहे, पार्टी के लिए समर्पित रहे, लेकिन राजनीतिक जीवन में अजय रहे, इनका कोई आलोचक नहीं रहा। सुशासन के रूप में हमने मनाया है सरकार ने, क्योंकि अटल जी एक शुचिता के बड़े उपासक थे। अनुशासन के रूप में ई गवर्नेंस, इसको हमने अटल जी के जन्मदिन के रूप में स्वीकार है और पूरे देश में इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया है। पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार समेत भाजपा नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लोगों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह जीवन भर राष्ट्र निर्माण को गति देने में लगे रहे। उनका समर्पण और सेवा भारत के प्रति अमर युग में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उसको अलग हटा देता है, चेहरा ढक जाता है। अल्लाह बचने के बाद उसको अलग हटा देता है, चेहरा ढक जाता है। अल्लाह बचने के बाद